नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही भयानक भूस्खलन अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बीच में लगातार दोस्तों ये घटनाएं घट रही है। शिमला के कृष्ण नगर इलाके में भयंकर भूस्खलन की चपेट में 4 से 5 मकान आ गए हैं, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटों में दूसरी ये भयानक घटना घटी है। राहत और बचाव अभियान जारी है। बता दें कि यह स्थान कार्ट रोड पर पुराने बस स्टैंड और नीचे शिमला बाईपास के बीच स्थित है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पेड़ गिरने से स्लॉटर हाउस और अन्य इमारतें उसकी चपेट में आ गई हैं। इसके बाद देखते ही देखते इमारत पूरी धराशायी हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग भी दहशत में आ गए हैं। शिमला के SP संजीव गांधी ने बताया कि भारी बारिश के कारण भयंकर भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते लगातार मकान ढह रहे हैं। एम्बुलेंस, NDRF, SDRF, ODRF जो टीमें हैं दोस्तों रवाना कर दी गई है। अब तक की बड़ी खबर, पिछले 24 घंटों में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आज रात कांगड़ा, मंडी, शिमला के अंदर भयंकर तबाही मच सकती है, जबकि कल बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, चंबा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले भी दोस्तों एक शिव मंदिर दोस्तों धराशायी हो गया था, जिसमें 25 से 30 लोग दब गए हैं और वहां दोस्तों 10 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। बाकी लोगों के लिए तलाश जारी है। भारी बारिश के चलते आज हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और कल भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज 15 अगस्त के लिए सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। और इसी बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है।